तो हे वॉचर्स गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, आज हम भाई एक चीज बड़ी तगड़ी बताने वाला हूँ, जो हमारी माइनक्राफ्ट एंड्रॉयड वाला वर्जन है उसका फाइनली 1.30.20 वर्जन आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको मैंने खुद ट्राई किया है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर नेहा क्या चीज़ आई है। तो सबसे पहले तो ये आई है, जब आप वर्ल्ड जनरेट करोगे तब आपको ना थोड़े अलग ही तरीके का बटन्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि बहुत तगड़ा हो गया है ये। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो होती थी हमारी, वो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी लगती हैं इसकी मदद से। बाकी और कुछ तो नया नहीं आया है मुझे यहाँ पे, अभी तक तो यहाँ पे कुछ नया नहीं दिखा। अब बाकी जहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले की तरह ही है, जो कि मैं सिर्फ मतलब पहले भी 1.18 में दिखाई आ गया था। अब अगली जो मेन बात है वो है वर्ल्ड के अंदर। तो भाई वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि आखिरकार वर्ल्ड के अंदर क्या नया आया है। तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड ओके। तो भाई यहाँ पे ये वाला जो फीचर डाला ना इन्होंने वर्ल्ड जनरेट करते वक्त, तब ये वाला फीचर तो एकदम सही है, मज़ा आ रहा है इसको प्ले करने में। अब क्रिएट कर लेते हैं वर्ल्ड, देखते हैं कि भाई भाई क्या चीज़ें आई हैं इस चीज़ वर्ल्ड मतलब नए अपडेट के अंदर। तो भाई मुझे तो लगता है भाई बहुत कुछ नया आ जाएगा, ताकि भाई एकदम तगड़े वाला ही वर्जन लग रहा है ये मुझे। ओके, लोडिंग रिसोर्सेस ले रहा है ये, बट जल्दी लोड हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, लोड हो गया बस। ओके, देख सकते हो कि भाई इसके अंदर क्या क्या नया है। बाकी मैंने अभी तक इसकी थोड़ी सेटिंग्स नहीं की, बाद में कर लूँगा, देख सकते हो। ओके, तो बहुत कुछ तो नया नहीं आया, बस छोटी छोटी चीज़ें आई हैं। नहीं, मैंने सुना है कि इसके अंदर भाई एक नया मॉब भी आया है, आई थिंक से मॉब नहीं है वो, कुछ और है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ आई थिंक से नया एग भी था, ये है आई थिंक से। तो एक मिनट भाई, इसको पहले साइड पे रखते हैं। तो देख लो भाई ये क्या है। अच्छा, ये तो हमारा टर्टल है भाई, कोई नया भाई आया तो था एक। तो भाई मैं उसको ढूंढने के बाद मिलता हूँ आपको। भाई वैसे वो है जो था वो तो अभी तक मुझे नहीं मिला, बट भाई अगर आपको भी इस अपडेट को डाउनलोड करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसके ऊपर क्लिक करो और भाई पहुंच जाओ एक वेबसाइट के अंदर, और उसके बाद आपको भाई डाउनलोड प्रोसेसिंग आपको आता ही होगा, ताकि ये वाला जो प्रोसेसर है ये बहुत ईजी होता है इसको डाउनलोड करना, तो आप भी इसको बहुत ईजीली डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और जहाँ तक सभी को पता है 1.18 में ऑलरेडी केव्स आ गई हैं बड़ी वाली, तो ये तो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये तो पहले की थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी देख लो भाई, अभी मैंने तो इतना कुछ नहीं देखा है इस अपडेट के अंदर, बाकी आप डाउनलोड करके देख लेना कि क्या क्या नया आया था, ये मुझे तो इतना कुछ नहीं दिखा अपडेट के अंदर, ठीक है। इसलिए देखो भाई कि आखिरकार क्या क्या अपडेट आया है इसके अंदर, मतलब अपडेट के अंदर क्या क्या अपडेट आया, आई डोंट नो क्या बोल रहा हूँ, बट भाई अच्छा आया अपडेट, मतलब इतना कुछ भी ज़्यादा आया नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर, बट इतना भी बुरा नहीं है ये अपडेट, मतलब बहुत कुछ नया डाल दिया गया है इसके अंदर, आई थिंक से बहुत कुछ नया डाला होगा, ताकि आपको पता ही होगा माइनक्राफ्ट जब भी कोई अपडेट निकालती है तब उसके अंदर कुछ तो मतलब डाला ही होता है ऐसा, जिसकी मदद से हाँ बंदों को अच्छा लगे कि हाँ ऐसी बढ़िया ऐसी चीज़ डाल दी इन्होंने। तो अब भाई आप लोग भाई जाओ डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड करो और इन्जॉय करो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।